जादू का शीशा और शहजादी। बहुत अरसा हुआ एक मुल्क पर बादशाह हुकूमत करता था और इस बादशाह की एक बेटी थी। शहजादी बहुत खूबसूरत थी, इसका नाम हुमा था। हुमा अभी छोटी सी थी कि मलिका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। बादशाह की दूसरी बीवी भी खूबसूरत थी और वो थोड़ी सी मगरूर भी थी। नई मलिका के पास एक जादू का शीशा था। मलिका रोज़ाना सुबह उठकर तैयार होती और जादू के शीशे से पूछती, शीशे शीशे ज़रा ये तो बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशा जवाब देता, बेशक मलिका आलिया, आप ही सबसे खूबसूरत हैं। ये जवाब सुनकर मलिका बहुत खुश होती। वक्त गुजरने के साथ साथ हुमा बड़ी होती गई और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता गया। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मलिका ने हस्बे मामूल जब शीशे से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है, तो शीशे ने इसको जवाब दिया कि मलिका आलिया, बेशक आप सबसे खूबसूरत थी, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी हुमा सबसे खूबसूरत है। शीशे का जवाब सुनकर मलिका गुस्से से आग बगोला हो गई और इसने अपने ख़ास मुलाजमों को बुलाकर हुक्म दिया कि शहजादी हुमा को दूर जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे। मुलाजिम हुमा को लेकर जंगल चले गए। ले जंगल पहुँच कर शहजादी को कत्ल करने लगे तो इनको इस पर बहुत तरस आया। एक मुलाजिम ने अपने साथियों से कहा, क्यों ना हम शहजादी हुमा को छोड़ दें। ये सुनकर बाकी मुलाजमों ने हुमा से कहा, तुम इस जंगल में कहीं भाग जाओ और वापस अपने मुल्क में ना आना, वरना मलिका तुम्हारे साथ साथ हमें भी मरवा देगी। शहजादी ने जान बख्शी पर मुलाजमों का शुक्रिया अदा किया और घने जंगल के अंदर एक सिम चल पड़ी। कुछ दूर जाकर हुमा को एक छोटी सी झोंपड़ी नज़र आई। हुमा इस झोंपड़ी में दाखिल हो गई। इसने अंदर जाकर देखा कि घर में कोई जी रू मौजूद नहीं था। घर के अंदर एक छोटी सी मेज़ रखी थी और इस मेज़ के गिर सात छोटी छोटी कुर्सियां रखी थी, जबकि इस घर के एक बेडरूम में छोटे छोटे सात बेड लगे हुए थे। शहजादी वहां लेटकर सो गई। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद शहजादी हुमा नींद से बेदार हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सात छोटे छोटे आदमी इसके गिर्द खड़े इसे देख रहे थे। वो सात बोने थे जो एक हीरे के कान में काम करते थे और अब काम से छुट्टी करके वापस आ गए थे। इन्होंने शहजादी हुमा से पूछा कि वो कौन है और ये के इस झोंपड़ी में कैसे आई। इस पर हुमा ने बोनों को महल से जंगल में आने तक अपनी दास्तान सुना दी। शहजादी हुमा की दास्तान सुनकर बोनों ने इसे कहा, ठीक है, अब तुम इस घर में हमारे साथ रहो और घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग घर पर मौजूद ना हो तो किसी भी अजनबी को घर में ना आने देना। दूसरी तरफ मुलाजमों ने वापस जाकर मलिका को बताया कि इन्होंने शहजादी को कत्ल कर दिया है, तो वो बहुत खुश हुई और भागी भागी अपने कमरे में लगे शीशे के पास जाकर बोली, शीशे शीशे अब बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशे ने बिला शुबा शहजादी हुमा ही सबसे खूबसूरत है और वो जंगल में एक झोपड़ी में रहती हैं। ये जवाब सुनकर मलिका को बहुत गुस्सा आया। इसने घर घर जाकर चीज़ें बेचने वाली औरत का भेस भरा और जंगल में चली गई। थोड़ी सी तलाश के बाद मलिका को वो झोंपड़ी मिल गई जिसमें शहजादी हुमा ठहरी हुई थी। मलिका ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। हुमा ने देखा एक बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी है और इसमें खूबसूरत रिबन रखे हैं, प्यारे प्यारे रंगों के रिबन। देखकर हुमा का दिल ललचाने लगा और वो बिल्कुल भूल गई कि वो बोनों ने इसे किसी अजनबी से मिलने से मना किया है। हुमा ने औरत को अंदर बुलाया और रिबन दिखाने की ख्वाहिश जाहिर की। बूढ़ी औरत ने एक रिबन इसके गले में डालते हुए कहा, देखो ये कितना खूबसूरत है। ये कहते हुए औरत ने रिबन इतनी ज़ोर से खींचा कि शहजादी हुमा का दम घुटने लगा और वो फौरन बेहोश हो गई। मलिका समझी शहजादी मर चुकी है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से वापस भाग गई। बोने जब अपना काम से वापस आए तो इन्होंने देखा हुमा बेहोश पड़ी थी। सातों बोनों ने मिलकर शहजादी के गले से रिबन खोला। रिबन खुलते ही इसका सांस बेहाल हुआ और वो उठ बैठी। बोनों के पूछने पर इसने तमाम वाकया कह सुनाया
और इनका कहना ना मानने पर माजरत भी की। बोनो ने कहा, देखो आइंदा अच्छी तरह याद रखना और हमारी गैर मौजूदगी में किसी को भी अंदर ना आने देना। शहजादी हुमा ने एक मरतबा फिर बोनो से वादा कर लिया और कहा, आइंदा वो मोहतात रहेगी। मलिका खुशी खुशी अपने महल में वापस पहुंच गई। दूसरे रोज़ मलिका ने शीशे से वही सवाल किया। मलिका को पूरी उम्मीद थी कि इस मरतबा आईने का जवाब इसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, लेकिन आईने ने कहा, मलिका आलिया बेशक आप खूबसूरत हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा खूबसूरत आपकी सौतेली बेटी हुमा है और वो अब भी जिंदा सलामत अपनी झोपड़ी में मौजूद है। इस मरतबा मलिका ने फ्रूट बेचने वाली औरत का भेस भरा और जंगल में जा पहुंची। झोपड़ी के करीब पहुंचकर इसने आवाज़ दी, खूबसूरत मीठे सेब ले लो। हुमा ने सेब देखे तो इसको बहुत पसंद आए। इसे बोनो की हिदायत याद आई तो इसने सोचा, अगर मैं इस बुढ़िया से सेब लेकर खा लूँ तो बोनो को क्या पता चलेगा। ये सोचकर इसने बूढ़ी औरत को करीब बुलाया और औरत ने एक खूबसूरत सुर्ख सेब इसको देते हुए कहा, यह सबसे खुश जायका है। शहजादी ने जैसे ही सेब दांतों से काटा और जहां खड़ी थी वहीं गिर गई। बूढ़ी औरत यानी मलिका ने इसे अच्छी तरह देखा और जब इत्मीनान हो गया कि वो मर गई है तो अपने महल की तरफ वापस आ गई। शाम को जब बोने वापस आए तो इन्होंने शहजादी हुमा को मुर्दा हालत में देखा। बोने बहुत उदास हुए। इन्होंने हुमा को एक खूबसूरत ताबूत में रख दिया और रोज़ाना इसके गिर्द बैठे रहते, क्योंकि वो हुमा से मोहब्बत करने लगे थे और किसी भी तरह इसे खोना नहीं चाहते थे। चंद दिन बाद करीबी मुल्क के शहजादे का इधर से गुजर हुआ। इसने शहजादी को देखा तो बोनो से कहा कि वो शहजादी इसको दे दें, लेकिन बोनो ने इनकार कर दिया। शहजादा बहुत इसरार करता रहा कि वो शहजादी को लेकर ही जाएगा, क्योंकि इससे मोहब्बत हो गई है। आखिर शहजादे के इसरार पर बोनो ने आपस में सलाह मशवरे के साथ इसे हुमा का ताबूत ले जाने की इजाज़त दे दी। शहजादे ने ताबूत उठाना चाहा तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो लड़खड़ाया और ताबूत इसके हाथों से छूटकर गिर गया। ताबूत गिरने की वजह से शहजादी झटके के साथ गिरी तो इसके हलक से सेब का टुकड़ा निकलकर बाहर आ गिरा और शहजादी हुमा उठ बैठी। दरअसल मलिका ने सेब को जहर लगाकर शहजादी हुमा को खिलाया था, इसलिए वो समझी कि हुमा मर गई है, जबकि सेब का टुकड़ा हलक में फंसने की वजह से शहजादी बेहोश हो गई थी। शहजादी हुमा को उठते देखकर सातों बोने बहुत खुश हुए। शहजादे ने फौरन शहजादी से शादी की ख्वाहिश की। बोनो ने मिलकर इन दोनों की शादी के इंतजाम किए और कुछ दिन बोनो के पास रहने के बाद हुमा को लेकर शहजादा अपने मुल्क रवाना हो गया।